आज एक क्विक सी टमेटो चटनी बनाते हैं, बहुत ही क्विकली रेडी हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में एक बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए फिर इसमें एक हरी मिर्च डाल देंगे, आधा इंच जिंजर, 6 से 7 लहसुन, आधा छोटे चम्मच जीरा। इसे 2-3 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। एक टमाटर डाल देंगे। इसमें आधा छोटे चम्मच नमक डालेंगे और 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से मशी हो जाए। टमाटर अब मशी हो गया है तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, लगभग 5 मिनट के लिए। इसमें एक बड़े चम्मच टैमरिंड वाटर डालेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच रोस्टेड मूंगफली डालेंगे और 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डाल के इसे ग्राइंड करेंगे। इमली को 5 मिनट तक गर्म पानी में रख दें, उसके बाद उसे ब्लेंडर में ग्राइंड कर लें और आपका टैमरिंड वाटर रेडी हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितनी पतली या जितनी थिक चटनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। और ये हमारी क्विक टमेटो चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।